हाय गाइस, इस वक्त मैं हूँ इंग्लैंड के एक गांव में जो कॉट्सवोल्ड डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ काफ़ी सारे गांव हैं और ये काफ़ी सुंदर सुंदर गांव हैं। तो ब्रिस्टल से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये गांव, इसका नाम है कैसलकॉम्ब। तो दिखाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं स्पेशली ये विलेजेस को विज़िट करने के लिए। तो ब्रिस्टल से सबसे पास है ये कैसलकॉम्ब 25 किलोमीटर्स में, और काफ़ी सारे विलेजेस हैं। विलबरी है और एक विलेज है जहाँ विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ प्लेस है वो विलेज है। तो ये विलेज मैं विज़िट कर रही हूँ आज, तो मैं दिखाती हूँ आपको ये सुंदर सा गांव है। विलेज की एंट्री पॉइंट, यहाँ से एंटर करते हुए आते हैं हम, और ये है पानी का नदी टाइप की छोटी सी बनी हुई है। और ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है ये विलेज। मैंने तो सीनरी वगैरह में ही देखे थे, बुक्स में, सीनरी में, टीवी में, मूवीज़ में, इस टाइप का। आज मैं असली में आ गई हूँ इस टाइप के एक गांव में। ये है गांव का एंट्रेंस, और जो भी आता है इस ब्रिज पे बैठ के फ़ोटो ज़रूर लेता है, जैसे ये लोग ले रहे हैं। और ये है इस गाँव के द मैनर का घर, द मैनर हाउस स्टार्टिंग में ही है विलेज के। तो ये है इस गांव का ब्रिज, यहाँ जा रही है नदी, बह रही है, और फिर मैं अंदर चल रही हूँ अब गांव के। ये देखिए घर कितने सुंदर हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस गांव में ही रह लो। चले चलते हैं आगे गांव में, दिखाती हूँ मैं आप है क्या और गांव में आगे। ये देखिए छोटे छोटे दरवाजे हैं, छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, बहुत क्यूट लग रहा है सब कुछ। यहाँ क्या है, यूनिकॉर्न कॉटेज, ये पता नहीं शायद किसी का घर होगा। लगा है दरवाज़ा, बंद है। जो भी लोग दिख रहे हैं गांव के, कोई भी नहीं है इसमें, ये सब टूरिस्ट लोग हैं। हाय। और ये है लॉज, यूनिकॉर्न लॉज, आई थिंक उसी का कॉटेज था ये यूनिकॉर्न। ये देखिए फुल फैमिली पिक्चर, ये वाला घर देखिए, पेड़ लगा हुआ है, यहाँ खाली है अंदर शायद, दिख नहीं रहा मुझे। ये जो गांव में हमारे चौराहा आता है बीच में, जहाँ सभा लगती है सरपंच की, उस टाइप का कुछ लग रहा है मुझे सामने ये गोल। और ये देखिए इंग्लैंड का फ्लैग। इस गांव में घूमने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे छोटा सा कैफे लग रहा है बाहर, इन्होंने केक्स रखे हैं, अभी लोग केक खाने के लिए दरवाजा ठोक रहे हैं। चलिए वो आई है बाहर। ये है मेन्यू इनका। गांव का चर्च सेंट एंड्रयू चर्च कैसलकॉम्ब, जैसे मैंने आपको नाम बताया था गांव का। चले चलते हैं पार्क, सॉरी चर्च में। और यहाँ सेमेट्री भी है, ये चर्च है। यहाँ चर्च का एंट्रेंस मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है, आगे होगा शायद। वाओ, बहुत सुंदर चर्च है। यहाँ है चर्च के बाहर आती थी सिमेट्री बनी हुई है, ये देखिए। सिमेट्री है, ये देखिए। इस गांव में बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं लग रहा है, और यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है अंदर से। जैसे हम लोग कार्टून्स में देखते थे छोटे छोटे घर हैं लोगों के, छोटी सी शॉप, छोटे से कैफे, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे यहाँ इस गांव में आके।
बाहर मैं आ गई, तो चर्च से बाहर मैं आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ आगे गांव में, और क्या क्या है यहाँ पर। तो ये सामने कुछ रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है, देखते हैं क्या है। टेबल आउटसाइड आर अवेलेबल फॉर ड्रिंक्स, लंच के लिए जगह है, ड्रिंक्स के लिए जगह है। द कैसल इन, काफ़ी सुंदर सा पब कह सकते हैं ये। तो रेस्टोरेंट में अभी नहीं जा रही हूँ मैं, अभी मैं देख रही हूँ आगे और क्या है इस विलेज में। ये होटल भी है, यहाँ पे आके आप स्टे भी कर सकते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा, रहने को मिल जाए तो। गांव भी शहर से ज़्यादा ही लगेगा, शहर में रहने का मन ही नहीं होगा इस गांव में रहने के बाद। इतना इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये विलेज, बिल्कुल पक्षियों की चहचहाट, बिल्कुल हम जब कार्टून में देखते हैं कि छोटा सा गांव, चिड़िया, छोटा सा उसमें बना हुआ है कैफे, छोटा सा होटल्स है, यहाँ पे चर्च है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एकदम शांत विलेज है। मज़ा आ गया मुझे तो घूम के यहाँ पे। बट यहाँ पर सब घर के अंदर बंद है, कोई आ नहीं रहा है बाहर। तो ये विलेज यहाँ पे मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया, इतना ही है। गेट भी लगा है, यहाँ पर कोई टूरिस्ट भी नहीं आ रहा है, बस हम ही लोग आ गए यहाँ पे। यहाँ मुझे जाना चाहिए वापस नीचे। यहाँ से चर्च कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए रेस्टोरेंट है। हाय, थैंक यू, बाय बाय। मैंने मंगाया है ये ऑरेंज जूस। जो विलेज है वहाँ से आपको ना टैक्सी मिलेगी टैक्सी, लेकिन वो 75 pounds लेगी। और बोल्ट और ऊबर ओला की कोई सर्विस वहाँ नहीं आ रही, ना नेटवर्क आ रहा है गांव में अच्छे से। तो मेन रोड तक आने के लिए 2.5 kilometers था, तो हमें एक जीप वाले ने लिफ्ट दी मेन रोड तक। काफ़ी सारे लोगों को मैंने बोला रुकने के लिए, कोई रुका नहीं बस, लेकिन उस आदमी ने मुझे लिफ्ट दी और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मेन रोड पर बारिश हो रही है बाहर, और एक कैफ़े में आ गई हूँ, कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है। अभी बज रहे हैं 2:30 PM, मुझे मिलेगी ब्रिस्टल के लिए बस। अब देखते हैं कितने देर में मैं पहुंच पाऊंगी। अभी तो मैं इस कैफ़े में आ गई हूँ कॉफ़ी पीने।